नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फ़ोटो का एक कॉर्नर को राउंड कैसे करेंगे या फ़ोटो का दो कॉर्नर को हम लोग राउंड कैसे करेंगे, वो भी एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, देखिए एक कॉर्नर देखिए इसका राउंड है, बाकी तीन कॉर्नर जैसा था वैसा है, देख सकते हैं, सिर्फ एक कॉर्नर ये कॉर्नर देखिए राउंड है। और इस फ़ोटो को अगर गौर से आप देखिएगा तो कि देखिए यहाँ पे दोनों कॉर्नर, देखिए ये दोनों कॉर्नर राउंडेड है, देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों कॉर्नर देखिए सेम जैसा था वैसा है। तो ये आप एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग फ़ोटो का एक कॉर्नर राउंड करेंगे या फ़ोटो का दो कॉर्नर कैसे राउंड करेंगे। तो फिलहाल इस फ़ोटो को जो यहाँ पर है, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पहले से मैंने देखिए पेज ले रखा है और ये मैं आपको बता रहा हूँ एडोबी इन डिज़ाइन सीसी 2014 के अंदर, और सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो को लेकर आते हैं जिसका एक कॉर्नर को राउंड करना है। तो यहाँ हम लोग फ़ोटो लाने के लिए फाइल में जाते हैं, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ प्लेस का ऑप्शन है, या शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा तो आप फ़ोटो ला सकते हैं। और यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करें तो इसी तरह प्लेस का ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी फ़ोटो रखा है, जिस फ़ोटो का कॉर्नर को आपको राउंड करना है, फ़ोटो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ये एक सिंपल सा फ़ोटो लेता हूँ, इस पर क्लिक किया, फिर ओपन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका माउस पॉइंटर के साथ वो फ़ोटो आपको अटैच दिखेगा। आप जिधर जिधर माउस पॉइंटर ले जाइएगा आपका फ़ोटो सेम उसी तरह मूव करेगा। अब अपने पेज पे लाने के लिए आप तो या तो क्लिक कर दीजिए या इस तरह आप ड्रैग कीजिए, माउस पॉइंटर को जिस तरह ड्रैग करते हैं ऊपर से नीचे, इस तरह ड्रैग कर दीजिए, फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अब फोटो को, फोटो अगर सिलेक्टेड है तो फोटो को आप गौर से अगर देखिएगा तो आपको इस तरह का नोट दिखाई देगा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप देख पाइएगा, ये मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके जूम कर दिया पेज को। अब यहाँ पे देखिए फोटो सिलेक्टेड है, बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए सिलेक्टेड नहीं, इस पर क्लिक किया, फोटो सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं भी अभी येलो का आपको येलो बॉक्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह नोड आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कॉर्नर को अगर राउंड करना है आपको तो ये जो येलो वाला जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना होगा, छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा होगा ठीक ये ठीक नीचे यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये क्लिक कर देने के बाद क्या होगा, हर कॉर्नर पे ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा आपको राउंडेड आपको इस येलो कलर का इस तरह सर्कल दिखाई देगा, नोट दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट की जो है कीबोर्ड में, फिर से मैं आपको शिफ्ट की दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिख रहा है, तो ये कीबोर्ड का यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रहा है, ये है शिफ्ट की, जहाँ पे लिखा है शिफ्ट की इधर भी रहता है कीबोर्ड में और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे शिफ्ट की रहता है, इसको आपको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। तो पहले आपने येलो वाला पे क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये येलो पॉइंट हो गया। अब जिधर भी आपको जिस कॉर्नर को भी राउंड करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका राउंड करना है, तो इसको क्या करना है, शिफ्ट की दबाया और येलो वाला जो ये है पॉइंट है उसको आपको अंदर की तरफ इस तरफ पुश करना है। ये देखिए मैं इसको अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ, देखिए ये कॉर्नर देखिए राउंड हो गया, देख सकते हैं ये मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए ये कॉर्नर देखिए राउंड हो गया, बाकी तीनों कॉर्नर देखिए एज इट इज़ है, देख सकते हैं ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, लेकिन ये वाला कॉर्नर अगर गौर से देखिएगा तो राउंडेड है। अब मान लेते हैं ठीक इसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर को राउंड करना है, ये तो राउंड हो गया लेकिन इसका ऑपोजिट वाला को राउंड करना है इस कॉर्नर को, तो फिर से फोटो पर क्लिक करेंगे। अगेन आपको क्या करना है, ये जो येलो वाला जो पहले जैसे मैंने क्लिक किया था, छोटा सा नोड जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो अब फिर से आप देखिएगा हर कॉर्नर पे आपको इस तरह नोड येलो येलो आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे आपको पॉइंट दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ जिस कॉर्नर को भी राउंड करना है वहाँ पर शिफ्ट दबा के रखिएगा और इस नोड को अंदर की तरफ पुश कीजिएगा, इस तरह अंदर की तरफ, ये देखिए मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये देखिए ये कॉर्नर देखिए राउंड हो गया, ये कॉर्नर राउंड हो गया। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छी तरह से, ये देखिए अब ध्यान से देखिए फोटो को, इधर राउंडेड है, इधर राउंडेड है, बाकी ये दोनों कॉर्नर देखिए एज इट इज़ है। देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए वन सिलेक्टेड है, देखिए ये देखिए इधर राउंड है, इधर भी राउंड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिखाई दे रहा है दोनों, देखिए राउंड हो चुका है। तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, सिर्फ शिफ्ट की दबाना है, येलो वाला बटन पे आपको जो नोड है उस पर क्लिक करना है और सिर्फ ड्रैग करना है। चलिए फिर से एक छोटा सा फोटो आपको दिखा लाता हूँ, उसका एक कॉर्नर को राउंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा एक फ़ोटो लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद अगेन उसी तरह प्लेस
का ऑप्शन के माध्यम से हम लोग फोटो लेकर आते हैं। तो प्लेस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब दूसरा अगर फोटो एक लेते हैं सिंपल सा, जो फोटो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उस फोटो को लेकर आते हैं। बहुत सारे फोटोज़ हैं, जैसे ये फोटो है, फोटो फोटो मॉडल यहाँ लिखा, इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक कर दिया, यहाँ आ गया। देखिए माउस पॉइंटर के साथ वो फोटो आ चुका है। अब सिंपली इस तरह ड्रैग कर देंगे। ये देखिए फोटो यहाँ पे आ चुका है। जब ड्रैग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं भी आपको देखिए किसी भी पॉइंट आपको येलो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक राइट हैंड कॉर्नर में, फोटो का राइट हैंड कॉर्नर में आपको तीन यहाँ पे देखिए पॉइंट, एक तो ब्लू दिखाई दे रहा है, एक आपको येलो दिखाई दे रहा है। तो इस येलो वाला पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक टू एडिट कॉर्नर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हर पॉइंट देखिएगा आपको येलो येलो दिख रहा है। अगर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला कॉर्नर को आपको राउंड करना है, तो शिफ्ट दबा के इसको आपको शिफ्ट दबाना है और इस तरह अंदर की तरह इस तरह पुश कर देना है। ये देखिए मैंने पुश कर दिया, ये देखिए पूरा राउंड इस तरह देखिए आ चुका है ये कॉर्नर। ये देखिए एक कॉर्नर सिर्फ राउंड हो गया। तो ये बहुत काम आता है, बहुत डिज़ाइन वगैरह में आप बना सकते हैं, अट्रैक्टिव डिज़ाइन वगैरह। तो इस तरह देखिए यहाँ पे देखिए फोटो का एक कॉर्नर राउंड हो गया, ये दो कॉर्नर में राउंड आपको दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं। बस आपको येलो वाला जो पॉइंट है उस पर, नोड है उस पर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपको ड्रैग करना है, सिंपल है। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी इन डिज़ाइन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।